अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। उस्मान आपकी खिदमत में हाजिर है विद अनदर टॉपिक। ये टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा बेसिक टॉपिक है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पूछ लिया था तो मैंने कहा इसके ऊपर भी हम वीडियो बना देते हैं ताकि जो भी इस वीडियो को देखें उसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। टॉपिक हमारा ये है कि बर्ड आपका सडनली सुस्त होकर बैठ गया है, साइड पर बैठ गया है, केज के नीचे बैठ गया है या स्टिक के ऊपर बिल्कुल ही साइड में बैठ गया सुस्त होकर पर फैला के, इसकी क्या रीजन हो सकती हैं। तो आज मैं टॉपिक में आपको इसकी कुछ मेन रीजन बताऊंगा। रीजन तो काफ़ी हो सकती हैं लेकिन जो मेन रीजन है जिनको आप चेक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके बर्ड को ये इशू हो सकता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, चले आए टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वाइट पेपर्स आपका जो बर्ड है वो पर फैला के बैठ गया साइड पर, दो इलामत में आपको बता दूँ कि आपके बर्ड को इशू है, स्ट्रेट अवे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर वन, वो पर फैला लेता है, फूल के बैठ जाता है लव बर्ड, ठीक है, कहीं साइड पर बैठ जाएगा, केज के नीचे वाली साइड पर बैठ जाएगा, एक्टिविटी उसकी कम हो जाएगी, खाना पीना उसका कम हो जाएगा, ठीक है, या दूसरे बर्ड उसको तंग ज़्यादा करना शुरू कर देंगे। एक नंबर टू, उसकी आईज जो है हमने वो चेक करनी है, आईज उसकी जो है वो बिल्कुल राउंड होती है, ठीक है ना, लव बर्ड की। लेकिन जब किसी बर्ड को बीमारी होती है या कोई भी इशू होता है ना तो वो ओवल टाइप इस तरह बन जाती है, उसकी आईज ओवल टाइप आई उसकी बन जाती है। इससे आपको डेफिनेटली पता लग जाएगा कि आपके बर्ड को जो है वो कोई इशू हो गया। तो ये तो हो गई इसकी इलामत। अब आपने करना उसकी ये एक्चुअली होता क्यों है, इसकी रीजन क्या है, रीजन भी और साथ सोल्यूशन भी मैं आपको बता दूंगा। नंबर वन, इसकी रीज़न ये है कि आपके बर्ड को हवा लगी है, यानी कि गर्म हवा हो सकती है समर में या ठंडी हवा हो सकती है विंटर में। हवा क्रॉस होने की वजह से जो है वो आपके बर्ड जो है वो क्रॉसिंग के बिल्कुल दरमियान में पड़े हुए हैं, यानी कि केज बीच में, हवा इधर से भी क्रॉस हो रही है, इधर से भी क्रॉस हो रही है। तो जैसे लाहौर में अभी सडनली बारिश शुरू हो गई है, एकदम हवा ठंडी हो गई थी, तो जब ठंडी हवा उनको लगेगी तो बर्ड आपका ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा। वो आपका यही इलामत होंगी, वो आप पर फुला के जरा साइड में कहीं बैठ जाएगा, आई उसकी हल्की हल्की ओवल टाइप की हो जाएगी। तो इस सूरत हाल में आपने चेक ये करना है, सबसे पहले आपने जो है उसकी ड्रॉपिंग चेक करनी है। ड्रॉपिंग आप ऐसे चेक करते हैं कि आपने या तो बिल्कुल क्लीन कर लेनी है स्प्रे को, या उसके नीचे वाइट पेपर रख देना है। वाइट पेपर रख के बर्ड को आपने अलग करना है, ठीक है, उसकी ड्रॉपिंग चेक करनी है। उसकी ड्रॉपिंग की पिक्चर जो है आप किसी एक्सपीरियंस बंदे को भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं, उनको किसी हद तक अंदाज़ा हो जाता है कि इसको क्या ही चुना है, ठीक है। अगर तो उसकी ड्रॉपिंग ठीक होगी इसका मतलब है उसको हवा ही लगी है, उसको उसका जो है वो आपने फिर दूसरे नंबर पर उसका टेम्परेचर चेक करना है। टेम्परेचर बर्ड का कैसे चेक होता है कि उसको फीवर तो नहीं है। बर्ड को आपने पकड़ना है और उसके फीट जो है, उसके जो पाँव हैं उनके ऊपर हाथ रखना है थोड़ी देर तक। अगर तो आपको वो हाथ पाँव उसके गर्म फील होते हैं इसका मतलब है कि बर्ड को फीवर है। तो हवा लगने की वजह से बर्ड को मोस्ट प्रोबेबली जो है वो फीवर ही होता है। इसकी सबसे इनिशियल ट्रीटमेंट यही है कि आपने ब्रूफिंग जो होता है आपका ड्रॉप्स होते हैं सिरप जो होता है वो सिरप आपने डाल के पानी के अंदर 5 दिन तक ब्रूफिंग सिरप देना है अपने बर्ड को, होपफुली वो इससे रिकवर हो जाएगा। तो ये थी इसकी पहली रीज़न। नंबर टू पे जी बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है सोकड़ा। अच्छा, सोकड़े में भी बर्ड जब जाता है तो वो इसी तरह की उसकी इलामत होती हैं। आपने अगर बहुत सारे बर्ड इकट्ठे छोड़े हुए हैं तो आपको नहीं पता लगेगा कि बर्ड कब से खा रहा है, कितना खा रहा है, उसने खाया है या नहीं खाया। तो बर्ड को आपने पकड़ना है अपने हाथ में और उसकी हड्डी जो है चकोरी चेक करनी है। जो बर्ड टोकड़े में होता है उसकी वो हड्डी बहुत ज़्यादा बारीक होती है, यानी आपको बिल्कुल जिस तरह नुकीली कोई चीज़ होती है इस तरह फील होगी। और उसका आपने साइड पे हाथ मारना उसकी चेस्ट से तो आपको गोश्त वगैरह या उसका जो मीट होता है यानी कि वो बिल्कुल ही आपको सुखड़ा हुआ नज़र आएगा, बिल्कुल भी भरा हुआ नहीं होगा, गोश्त आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है आपका बर्ड जो है वो टोकड़े में चला गया, उसको भी आपने अलहदा कर रहे हैं। सोकड़े का जो मैंने 2-3 ट्रीटमेंट है लोग सक्सेसफुली कर रहे हैं, जो मैंने किया था वो आपको बता देता हूँ कि आपने वेब्रामाइसिन का कैप्सूल लेना है, साथ लाइजोविट का सीरप लेना है, इन दोनों को आपने मिक्स करना है और 5 डेज तक बर्ड को देना है, होपफुली वो इसमें रिकवर हो जाएगा। सॉफ्ट फूड आपने लाजमी देना है और दाने के अंदर जो है वो आपने ज़्यादातर जो ये सीड्स हैं ये नहीं देने, सिर्फ आपने चूना, गोल कंगनी और देसी कंगनी इनको मिक्स करके अपने बर्ड्स को देना है। होपफुली 5 से 10 डेज के अंदर वो खाना पीना शुरू हो जाएगा और रिकवर हो जाएगा। नंबर थ्री पे जी इसकी मोस्ट प्रोमिनेंट रीज़न ये होती है कि बर्ड को आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि किसी गंदी चीज़ खाने से हो सकता है, गंदा दाना खाने से, ड्रॉपिंग खाने से, गंदा पानी पीने से, कुछ भी ऐसा करने से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, वो आपके बर्ड के अंदर चला जाता है। उसका हल यही है
कि आपने ड्रॉपिंग चेक करनी है, तो ट्रीटमेंट आपको वो उसी के मुताबिक बताएंगे। मैं आपको अभी वीडियो में उसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी जो है वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो ड्रॉपिंग देखने के बाद ही पता लगता है। तो ड्रॉपिंग आप फाइंड आउट करेंगे, अगर वो नॉर्मल ड्रॉपिंग नहीं होगी तो उसके दो ही रीज़न है, या तो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है। वायरल इन्फेक्शन जो है उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं, वो आपको ये दर्द से यानी कि दर्दों को बाद से हो सकता है, गंदी हवा से हो सकता है, किसी और बर्ड के आने से हो सकता है, जैसे आइस का इन्फेक्शन होता है या माइस होते हैं या कोई और चीज़ किसी का इशू हो सकता है, उसको जो है वो नज़ला हो सकता है, ठीक है, उसको रेस्पिरेटरी इशू हो सकता है, ये सारे वायरल इन्फेक्शन में आते हैं। तो ये आपको ड्रॉपिंग से ही पता चलेगा, तो आप अपने बर्ड की सबसे पहले आप ड्रॉपिंग फाइंड आउट करें और किसी चीज़ बंदे को भेजें ताकि उसका ट्रीटमेंट हो सके। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है, जो वायरल इन्फेक्शन है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होता है। तो ये आप फिजिक वायरल इन्फेक्शन जो है वो फिजिकली भी बर्ड के ऊपर प्रोमिनेंट हो जाता है समटाइम, आप उसको दिखा के भी उसका ट्रीटमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्टली जी, इसकी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी मेन रीज़न ये होती है कि बहुत सारे बर्ड आपने इकट्ठे छोड़े हुए हैं, पट्टे वगैरह छोड़े हुए हैं, उनकी आपस में फाइट हुई है, तो बर्ड जो है वो कहीं पे जख्मी हो गया है। मोस्टली जो है उसके नेल जख्मी होते हैं, पाँव की उंगलियाँ जख्मी होती हैं, पैर जो हैं वो जख्मी होते हैं, या समटाइम जो है हेड पे चोट लग जाती है। अब वो परों की वजह से, क्योंकि फुला के बैठा होता है पता नहीं लगता, उसके पर कोई टूट जाता है, ठीक है, वो भी पर फुलाने की वजह से आपको फिजिकली नज़र नहीं आएगा। इस सूरत हाल के अंदर आपने बर्ड को पकड़ना है और उसका अच्छी तरीके से मुआयना करना है, उसके पर खोलने हैं, सारे फीजर चेक करने हैं कि फीजर तो नहीं, मेन फीजर तो नहीं कोई टूटा उसका। उसके बाद आपने उसका हेड चेक करना है, उसकी टेल चेक करनी है, उसके पाँव चेक करने हैं, क्योंकि समटाइम रिंग काटने के चक्कर में जो बर्ड है दूसरे वो उसके पैर काट लेते हैं, उसकी जो है वो फिंगर्स को काट लेते हैं, नेल्स टूट जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई इशू है तो उसका भी हल यही है कि क्योंकि बर्ड जो आपका वो पेन में होता है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एड में उसको ब्रूफिन देनी है, ठीक है, पानी में डाल के डोज डाल के उसे 3-4 दिन तक देने हैं, उससे दर्द उसका कम हो जाएगा। और जो भी उसका ट्रीटमेंट है, अगर उसका खून वगैरह कहीं से निकला है, पाँव से निकला है, पंजों से निकला है, तो आपने सबसे पहले जो है उसको पायोडीन लगानी है। पायोडीन आपने उसको पकड़ के हाथ से लगानी है और 1-2 मिनट तक उसको पकड़े रखना है, ताकि वो पायोडीन जो है उसके जख्म में जज्ब हो जाए। इससे बर्ड को जो है वो बहुत दर्द होगा और उस दर्द को कम करने के लिए आप उसको ब्रूफिन देंगे। तो ये कुछ रीजन थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि आपका बर्ड क्यों सुस्त होकर बैठ गया है, क्या कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसको क्या प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। क्विक ट्रीटमेंट मैंने आपको साथ ही बता दी है वीडियो में, होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे लोगों के साथ ताकि उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके, वैसे भी ये सच्चा जारिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट करने का एक तरीका है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक, तब तक के लिए अपना, अपने बर्ड्स का, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।